वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स। हमारी डिस्कशन में हम मोटिवेशन की डेफिनेशन को समझेंगे और इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं रिगार्डिंग मोटिवेशंस, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, वो समझेंगे वो क्या चीज है, एंड गोल सेटिंग थ्योरी वो क्या चीज है। हम इसके अंदर मेज़लो हायरार्की नीड्स थ्योरी है वो उसको भी समझेंगे, और सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशंस। मोटिवेशन की बेहतरीन डेफिनेशन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि लाइक इंडिविजुअल जब सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, इंटरेक्ट करता है, और उसके अंदर जो उसका बिहेवियर या एटीट्यूड जो डेवलप होता है उसको ही हम मोटिवेशन कहते हैं। और इसमें बाजू का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑलराइट, प्रिसाइज अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर तीन ये खास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, एक इंटेंसिटी, देन डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इंटेंसिटी का मकसद ये होता है कि आप कितना इन्वॉल्व्ड हैं और कितना विगोरस हैं आप किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लेके अचीव करने के लिए। ऑलराइट, फिर डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि डायरेक्शन आपको ये बताती है कि आप जिस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रॉप, आपकी वो डायरेक्शन उस टारगेट को अचीव करने के लिए है, आप सही सिंथ में जा रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेन यू आर इन्वॉल्व एंड हैविंग अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट आर एक्चुअली गेटिंग यू क्लोजर टू योर टारगेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्शन। ऑलराइट, देन परसिस्टेंस मीन्स यू नो, जब आप किसी गोल को या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो नेचुरली उसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आते हैं, समटाइम बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं, डिस्करेजमेंट होती है, डिमोरलाइजेशन होती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। जब आपके पास मुख्तलिफ न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं, आप कोशिश करते हैं प्रपोज करने की, समटाइम आपको रिग्रेट आता है, रिजेक्शन आती है या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, तो अक्सर इन सिचुएशंस में एम्प्लॉयज जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। तो परसिस्टेंस का मतलब ये है कि दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे एक एम्प्लॉय कमिटमेंट के साथ इन्वॉल्व होके विद ऑल हिज कन्विक्शन ही इज परस्यूइंग हिज टारगेट और उसको गिव अप नहीं करता, दैट इज नोन एज अ परसिस्टेंस। ऑलराइट, कुछ थ्योरीज हैं जो मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट्स में और मुख्तलिफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई भी होती हैं, और इसके ऊपर बड़ी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च भी होती है और इसके ऊपर अभी तक फॉलो हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये थ्योरी जो है कुछ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी आपको इरेलेवेंट लगती है या आउटडेटेड लगती है, बट इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट एंड इट इज अ मेन सोर्स ऑफ यू नो कंडक्टिंग अ रिसर्च रिगार्डिंग द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मोटिवेशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट फेमस थ्योरी है, दैट इज अ मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ऑलराइट, फिर उसके बाद थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है, फिर मैकलीन्स थ्योरी ऑफ नीड्स है। इसको हम थोड़ा सा इंडिविजुअली देखने की कोशिश करते हैं। मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने दो तरह की चीजें बताई हैं। एक तो आपको जो मोटिवेशन जो ड्राइव होती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू होती है, दूसरी ड्राइव होती है मोटिवेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। ऑलराइट, तो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है, वो लोअर ऑर्डर है, ठीक है, लोअर ऑर्डर लेवल पे होती है, जो बुनियाद होती है और इसकी जो मेन फाउंडेशन है इस थ्योरी की वो ये है कि अगर आप लोअर ऑर्डर टू टॉप ऑर्डर जब तक मूव नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो दैट ही इज ट्राइंग टू गिव अस, कि जिसके अंदर वो बताया जाता है कि एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसकी लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है या लेवल ऑफ मोटिवेशन है, इट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऑलराइट, अगर कुछ फंडामेंटल चीजें नहीं पूरी होंगी तो वो कभी भी टॉप ऑर्डर मोटिवेशन फैक्टर्स में या जो इंटरनल फैक्टर्स है उसको वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं कर पाएगा, उसको कॉन्सेप्ट उसको रियलाइज नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है फिजियोलॉजिकल, जिसका फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स रोटी कपड़ा मकान। ऑलराइट, एनीथिंग व्हिच इज यू नो रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ योर बीइंग, आपकी जिंदगी के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ जो मुंसल है, के जो आपके लिए मतलब डायरेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट जिन चीजों का होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऑलराइट, रोटी कपड़ा मकान माजी के जमाने में, अगर हम आज से 20 25 30 साल पीछे चले जाएं या उससे भी पहले हम सेंचुरी अराउंड 50 ईयर्स बैक चले जाएं, तो उसमें नेचुरली हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स ये थी।
अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म अलग है कि अब क्योंकि विद द चेंजिंग यू नो विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट विद द हाई पेस एनवायरनमेंट, क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, तो लाइक उसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स की जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जरूर होता है, राइट? क्योंकि अब सपोज कर लें कम्युनिकेशन फैक्टर है, मोबाइल है, यू नो इंटरनेट है, दैट इज ऑल्सो अ बेसिक नीड्स, ऑलराइट? बट इट्स अगेन अ मैटर ऑफ डिबेट। फिर आ जाता है सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या है कि आप सिक्योर फील करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो, आपके पास कोई जॉब थ्रेट ना हो, एंड लाइफ सिक्योरिटी हो, आप जिस जगह पे काम करते हैं कोई वो हैजर्डस एनवायरनमेंट नहीं है, जिस रास्ते से आप आते हैं जाते हैं वहां पे कोई भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो। अगर इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक कराची, या जहाँ पे भी आप जाते हैं, कराची में बाजू का स्ट्राइक सिचुएशन हो जाती है, या कभी अभी तो बड़े अरसे से काफी पीसफुल एनवायरनमेंट है, लेकिन जिस कुछ अरसा पहले यहाँ पे स्ट्राइक सिचुएशन हो जाती है, ऑल ऑफ सडन फायरिंग, जलाओ घिराओ, ये जब सिचुएशन हो जाती है तो उसमें नेचुरली हर एम्प्लॉय जो है बड़ा स्केयर्ड होता है अपने घर को छोड़ने के लिए, और दे आर सो यू नो फिटेड टू गो टू देयर वर्क, क्योंकि they always see a threat to their life, therefore वो कभी भी हमेशा stressful situation में रहते हैं। ये तो हो गए like factors जो basically आपको within the society से threat होते हैं that are linked to your safety, alright? The threats which are actually posed to your life from the society. अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात करें कि आपको सेफ्टी किस तरीके से फील होगी, कि सेफ्टी विद रेस्पेक्ट टू योर जॉब, योर अर्निंग, योर इनकम, ऑलराइट? अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी है तो आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डेली वेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली आपको लिए जो है वो बड़ी एक एरिया ऑफ कंसर्न होगा। यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड अनलेस यू आर नॉट बीइंग यू नो अश्योर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। Naturally, it's because this is only a source that you actually, you know, bring a bread and butter for your own family. जब इस तरह की सिचुएशन हो और आपकी जॉब जो है अंडर थ्रेट हो और आपको कोई सिक्योरिटी ना हो, तो नेचुरली वो आपकी नीड्स जो है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो लिहाजा ये दो ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जिसका इंसान या किसी एम्प्लॉय के अंदर उस चीज को रियलाइज करना, महसूस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग रहेंगी तो कभी भी एक एम्प्लॉय जो है प्रोग्रेस या अपर लेडर जो है चेज नहीं कर सकेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द मेज़लोस, ऑलराइट? फिर आ जाती है सोशल नीड्स। व्हेन यू अचीव दीज बोथ बेसिक नीड्स, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद व्हेन यू बिकम सेटिस्फाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके फाइन इनफ, योर यू नो वर्क एंड योर जॉब इज वेरी सिक्योर्ड एंड यू आर बीइंग able to you know provide a food and shelter to your family and you for your own self, to naturally phir insaan jo hai phir expand hona shuru ho jata hai, grow karna shuru kar deta hai, uska circle badhna shuru ho jata hai. Phir social needs hain, phir usme aapke taluqaat, networking within the organization, outside the organization bhi jo hai achieve karne ki position mein aate hain, because you have a financial support, you are financially stable, you are having a job security, you do not have that much stress in your mind, to lihaza aap apne aap ko expand karna shuru kar dete hain, you get on to the you know social networking, you know meeting people, theek hai, aap usme chahte hain ki koi log aapke sath एसोसिएट रहें, आप उन लोगों के साथ एसोसिएट रहें ताकि आपकी जो एक सोशल नीड्स है मतलब कनेक्टिविटी का, कनेक्टेड, यू वांट टू बी कनेक्टेड विद द सोसाइटी, यू वांट टू बी कनेक्टेड विद योर एम्प्लॉयज और कोलीग्स, ऑलराइट? तो ये चीज फिर आपकी तब उसमें काम कर सकेंगे जब आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपको जॉब सिक्योरिटी हो, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आप उस परेशानी में मुबतला रहेंगे तो कभी भी सोशल नीड्स के ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा। तो मेज़लोस ये बता रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर को अचीव करना, कि किसी एम्प्लॉय की अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, आप उनको एक प्रॉपर करियर पाथ देना चाह रहे हैं, तो इस ऑर्डर को मेंटेन करना या उसको अचीव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है स्टीम नीड्स। स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम मीन्स पर्सन शुड फील बी रेस्पेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कम्युनिटी ही इज लिविंग इन, ऑलराइट, विद इन द सिटी, व्हाट एवर द केस। हर इंडिविजुअल का एक हेमिस्फेयर होता है, एक सर्कल होता है, उसमें उस सर्कल के हिसाब से उसको एक एक सेंस ऑफ स्टीम महसूस होना बहुत जरूरी है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरी सेल्फ स्टीम मेरी नजर में कुछ है और हो सकता है मुझे देखने वाले मेरे साथ हल्का है बाप जो है वो मेरे बारे में कुछ अलग परसेप्शन रखते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ यू नो फीलिंग यू हैव अबाउट योर ओन सेल्फ, जिसमें आप सेल्फ स्टीम महसूस
खुद करें कि इम्प्लॉय खुद महसूस करके उसकी सेल्फ एस्टीम कहाँ पे महसूस हो रही है, किन चीजों में महसूस हो रही है, ऑलराइट। दैट इज मीन काइंड ऑफ यू नो रेस्पेक्ट, कि आप यू आर बीइंग यू नो लर्न केयर्ड एंड यू आर बीइंग रेस्पेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपका काम है जो है वो बड़ा रेस्पेक्ट की जा रही है आपके काम की, आपके कंट्रीब्यूशन को रिकोगनाइज किया जा रहा है, रिगार्ड किया जा रहा है, और आपके तमाम तरह एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इस्टीम आपको महसूस होती है कि जिसके अंदर आप रियलाइज करते हो कि आप जो है एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन जो है आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। ऑलराइट, देन व्हेन यू अचीव दिस स्टेज, नाउ लास्ट स्टेज कम कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे इंसान जो है खुद इंस्पिरेशन बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ही हैज अचीव्ड ऑल दीज यू नो देयर आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर एम्प्लॉय हैज अचीव्ड ऑल थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। उसके अंदर उसको करियर ग्रोथ भी मिल चुकी होती है, उसके अंदर उसकी नीड्स तमाम तरह जो है जो हायरार्की हमने पढ़ी अभी वो अचीव हो चुकी होती है। नाउ ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु एक्चुअली बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू लीड टू फॉलो। ऑलराइट, क्योंकि अब वो मजीद जो है कंट्रीब्यूट करना, मींस व्हाट ही हैज ही आर शी हैज गेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ही इज इन अ पोजीशन टू यू नो पे बैक टू द सोसाइटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेज वेयर ही फील्स के ही आर शी शुड एक्चुअली पे बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही वांट्स पीपल टू इंस्पायर। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इस थ्योरी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये थ्योरी बनाई गई है, इसके तहत दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। कुछ वो लोग हैं जो बेसिकली मोटिवेटेड होते हैं और काम करना चाहते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो बेसिकली काम नहीं करना चाह रहे। ऑलराइट, थ्योरी एक्स में क्या फैक्टर्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मींस दे बिलीव इन दैट कि वर्कर्स हैव अ लिटिल एंबिशंस, डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि ये काम चोर लोग होते हैं। ऑलराइट, वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के एक इदारे के अंदर या तो काम चोर होते हैं या काम करने वाले होते हैं, ये दो तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस वो बता रहे हैं। मतलब इग्नोरेंट होते हैं, वो काम को पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, किसी एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी में बोलते हैं तो उनको बुखार चढ़ जाता है। ऑलराइट, एंड अगर कोई बॉस उनको कोई काम कहे तो वो एक दिन का काम चार दिनों में देते हैं। मतलब दे आर सो मच डिसएंगेज्ड पीपल ऑलराइट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर थ्योरी वाई है, थ्योरी वाई ये कहते हैं दे आर मोर यू नो एग्रेसिव टू वर्क एंड दे आर ईगर टू वर्क एंड दे आर एग्रेसिव इन देयर एटीट्यूड इन अ वे, मींस दे आर वर्क एग्रेसिव नॉट बिहेवियरल एग्रेसिव। ऑलराइट, दे ऑलवेज एंजॉय बीइंग इन अ यू नो एक्टिव स्टेट। वो हमेशा काम करते रहना पसंद करते हैं, चीजों को नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई CSR का प्रोजेक्ट आ गया, कोई सोशल एक्टिविटी हो गई, कोई गेट टुगेदर हो गया, आई मीन असाइनमेंट्स, वर्क असाइनमेंट्स, वो हर तरह के कामों में वो एक्टिव रहते हैं। और दे ऑलवेज लव टू सोशलाइज, दे ऑलवेज लव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, ये दो तरह के लोग आपको मुआशरे में भी और जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलते हैं। ये बेसिकली इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे इन्होंने वर्कआउट किया है। फिर आ जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, इनका ये कहना है कि आप अगर किसी भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉयज को अगर आप मैनेज करेंगे थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप उनको प्रोवाइड करें स्मार्ट गोल्स जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। ऑलराइट, दैट इज नोन एज अ स्मार्ट गोल्स। ऑलराइट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अगर आप किसी एम्प्लॉयज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेंगे तो इट विल हेल्प मैनेजर्स टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड हेल्प देम टू अचीव देयर ओन टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल, टेंजेबल हो जो आप उनको टारगेट्स हो, टेंजेबल हो। Whatever you know, give a task, it should be very, it should be on paper, on documents, all right, and it should be recognizable. वो नजर आए, वो target जो है tangible हो, कोई vague information ना हो, verifiable. Whatever the work is being done, you should adopt kind of a you know procedure and the practices within the organization कि आप किसी के भी contribution को verify कर सकें. वेरीफाइबल का मीन ऑब्जर्वेबल, अगर वो काम करें तो उसकी फिर काम की रिफ्लेक्शन नजर आए, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल। देन मेजरेबल, यू कैन कन्वर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इनटू द न्यूमेरिक वन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, अगर सर्विसेज जिस तरह हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं जिसमें हम टारगेट सेटिंग कर रहे होते हैं या परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम के अंदर बेसिक क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट होता है, यू ऑलवेज कन्वर्ट योर इवन सर्विसेज
into the you know like numerics. All right, numerical is numerical jo numerics hote hain, this is the only way to measure your performance. For example, agar main housekeeping ki baat karun, this is a purely a service job, and you need to assess, you need to you know verify that how a sweeper or a janitorial staff has worked and achieved his target. You need to convert it into the target. For example, you need you say ke iski daily jo routine job hai ya jo routine performance criteria hoga wo ye hoga ki at least he should at least 99% jo hai usko pure plan ki cleaning karni hai. This is for an example for better understanding. And then you also say ke bhai ek koi office clerk hai ya office administration staff hai uski table jo hai wo 99% it should be clean, all right, or 100% should be clean, or 7 days a week clean. You can you actually associate you know the individual behaviors or the performance or the expected outputs with the numerical data so that it can easily be measured, all right. Phir jab aap iske alawa aap kya karte hain management by objectives ke andar, jab aap maine jis tarah aapko bataya you need to set the objectives on the basis of SMART rules, all right. Aur usmein kya karte hain aap, goal specify karte hain, you clarify your goals ke aapko kya kya cheeze karte hain. Goal aapko define karna chahiye ki aapka kya goal hai. जिस तरह मैंने बताया इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी वेरीफाइबल एंड टेंजिबल. तो फिर आपको यू नीड टू स्पेसिफाई द गोल्स, यू नीड टू क्लेरिफाई द इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉइज टू व्हाट आर देयर गोल्स. वो आप एचआर रिक्रूटमेंट में कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के स्टाफ के लिए कर सकते हैं, फाइनेंस स्टाफ के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, सप्लाई चेन के लिए कर सकते हैं. यू कैन यू नो स्पेसिफाई, यू कैन सेट अ गोल फॉर एवरी इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, उसके लिए भी हम एक अलग से लेक्चर लिखेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन सर्विसेज और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की गोल सेटिंग कर सकते हैं. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू रियलाइज यू नो दैट देयर कंट्रीब्यूशन और देयर वैल्यू एडिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो जब तक आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, उनके आइडियाज नहीं लेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके मशवरे जो वो दे रहे होते हैं उनको आप प्रॉपरली उसको सीरियसली थॉट नहीं देंगे, तब तक कभी भी एम्प्लॉय जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड ही नहीं होगा और उसके अंदर कोई भी इस तरह की लाइक कन्विक्शन लाइक एक डिवोशन या उसके अंदर कोई एक एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू देयर टारगेट अचीवमेंट कभी भी नहीं आएगी. एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, टाइम फिक्स होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेग. मतलब व्हेन यू सेट अ टारगेट यू शुड स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, विद इन द मंथ होना चाहिए या विद इन द 2 मंथ आना चाहिए. नॉर्मली विद इन द इंडस्ट्री जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होती है दैट इज एनुअल, जिसको आप मुख्तलिफ जगहों पे एनुअल क्रेडेंशियल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम विद इन द इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर. All right. अच्छा, उसको अब जिस तरह मैंने बताया कि nowadays इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आप ना सिर्फ ये एनुअल क्रेडेंशियल रिपोर्ट या परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एनुअल बेसिस पे करते हैं, ना वो न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन इमर्ज विद इन द इंडस्ट्री कि आप उसके अंदर रिव्यूज रखते हैं. क्वार्टरली रिव्यू हो सकता है, सेमी एनुअली रिव्यू हो सकता है, और आपका वीकली मंथली, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू नो. तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इफ यू फील कि आपको चीजें को जल्दी जो है विद इन ऑर्डर करनी है तो यू शुड एटलीस्ट सेट अ रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑन मंथली बेसिस सो दैट आपको पता चले कि आपके जो स्टाफ है वो न्यू है. जब तक वो अपनी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं सेट कर लेते हैं और अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसकी एक मंथली रिव्यू मीटिंग जरूर रखें. व्हेन यू आर यू नो मैनेजिंग द टीम और मैनेजिंग द स्टाफ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम नो के उनकी डायरेक्शन भी सही है, उनके टारगेट्स भी सही जा रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, एक्चुअली दे आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर टारगेट. ऑलराइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू रियलाइज के ये टारगेट उनके जो है पीछे रह गए हैं या अचीव नहीं कर पाए हैं तो इट इज क्वाइट लेट बिकॉज एम्प्लॉयज के पास इतना ऑप्शन नहीं होते हैं, इतना मार्जिन नहीं रहता है कि वो उस चीजों को उस वक्त ओवरकम कर सके. परफॉर्मेंस फीडबैक, आप जिस तरह मैंने बताया कि जब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होती है तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गिव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस फीडबैक ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर एंड पीरियोडिकल बेसिस. ऑलराइट, अक्सर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एनुअल क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है, साल के एंड में बनती है. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस तरह इंडस्ट्री के होता है, लेकिन होता क्या है उसका नुकसान कि एम्प्लॉय पूरा साल जो है वेदर ही वेस्टेड द टाइम, ही वेस्टेड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही वेस्टेड हिज ओन टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी. बिकॉज पता आपको ये तब लगता है जब आपके जब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होती है और इतने इतने टारगेट्स आपके जो है रह गए.
अब ये जो मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के फंक्शंस के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो मंथली रिव्यू ना करे, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होती है, दे ऑलवेज इवैल्यूएट द टारगेट अचीवमेंट्स, ऑलराइट। ये सेल्स वाला डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बड़ा रिगोरस और बड़ा क्लोज इवैल्यूएशन होता है, बिकॉज इट इज यू नो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट, ऑलराइट। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड कि अगर उनके पास फीडबैक ना मिले, बिकॉज दिस इज वेरी मच क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरह प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की भी नेचर ऑफ फंक्शन इस तरह का है कि वो उनके रेगुलर बेसिस पे उनको जो है एवेल्यूएट करना है कि उनकी डेली, जहाँ पे स्पेशली जस्ट इन टाइम फिलॉसफी फॉलो होती है, जस्ट लाइक पार्क्स मोटर कंपनी, इंडस मोटर कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जस्ट इन टाइम फिलॉसफी फॉलो होती है। तो नेचुरली वो एक बेसिकली एवोल्यूशन क्राइटेरिया है, यू नीड टू अचीव योर टारगेट ऑन डेली बेसिस, ऑलराइट, नॉट ओनली प्रोडक्शन टारगेट, यूर ऑन यू नो डेवलपमेंटल टारगेट्स एज वेल, ऑलराइट, जिसमें ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके टारगेट सेट किए जाते हैं इन द इंडस्ट्री, ऑलराइट। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो बड़े साइलेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, आई मीन दे आर काइंड ऑफ सपोर्ट फंक्शन के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मोस्टली दे आर बेसिकली अ सर्विस नेचर फंक्शंस डिपार्टमेंट। तो उनकी जो एवोल्यूशन होती है, इधर दे आर बीइंग डन ऑन एनुअल बेसिस एंड और उनकी जो गोल सेटिंग है, इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग एस्पेक्ट विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर सपोर्ट फंक्शन डिपार्टमेंट के लिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस फीडबैक हो, वो उनके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर हो और प्लस में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी इनका इंपॉर्टेंट हो, ताकि इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएट हो सके और यू कैन गिव अ राइट फीडबैक टू द एम्प्लॉय, ऑलराइट। एंड दिस इज अ थ्योरी जिसमें हम सोशल लर्निंग या सेल्फ एफिकेसी के नाम से भी जानते हैं कि एक इंसान एक एम्प्लॉय के अंदर वो कितनी कैपेसिटी है, हाउ ही इज अ सेल्फ एफिकेसी सेल्फ एफिशिएंट, और आई मीन सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के अंदर बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय के अंदर अपनी जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, वो किसी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करने की सलाहियत रखता है। बाज़ औक़ात प्रेशर सिचुएशन होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, कभी हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, कभी मोटिवेटिंग मोमेंट्स भी होते हैं, ऑलराइट। आई मीन सेल्फ एफिकेसी इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर इट इज मेजर्ड हाउ एम्प्लॉय इज बिहेविंग विद इन द चैलेंजिंग सिचुएशन, ऑलराइट। वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मोल्ड कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और फिर अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। उसके लिए जहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बड़ा समझना जरूरी है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस है, प्रसिस्टेंस है और बेटर रिस्पॉन्स टू नेगेटिव फीडबैक, ऑलराइट। हर उस एम्प्लॉय में यह हर एफिकेसी कहलाएगी अगर उसके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और ही इज वेरी मच डेडिकेटेड, लॉयल एंड वेरी फोकस्ड विद हिज टारगेट, एंड ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक यू नो क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली, मींस व्हाटएवर ही इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर, ही टेक्स एक्चुअली इट एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसको ओवरकम कर लेता है, अपनी चीजों को, अपने आप को और मजीद स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जिस तरह का एम्प्लॉय इस तरह होता है, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जिनको आप क्रिटिसाइज करते हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली प्रोन टू द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, तो दे आर ऑलवेज फोकस विद देयर टारगेट्स, विद देयर ऑब्जेक्टिव्स, ऑलराइट, दे फोकस ऑन देम एंड ट्राई टू हैव ऑल दी स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड नॉलेज टू अचीव देयर गोल्स, ऑलराइट। फिर सेल्फ एफिकेसी जो है वो गोल सेटिंग थ्योरी को भी बेसिकली सफिक्स कर रही होती है। नीचे जो चार्ट दिया हुआ है, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि जब आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं तो नेचुरली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो लेवल ऑफ एनर्जी है, वो नेचुरली वो उसी थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, लाइक यू बिकम अ रिलैक्स, ऑलराइट। बट व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सेट अ हायर एंड डिफिकल्ट टारगेट फॉर योरसेल्फ, इट गिव्स यू, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस and it give you a kind of a feeling that you are a kind of a person who can achieve that you know hard and difficult targets, and for that matter of fact it gives you a confidence. jab aapke paas confidence aa jata hai to fir aap apne liye ek acche goal aur challenging, I would say not difficult, challenging rate, jahan pe aapko exert karne ki zarurat padti hai, aapko excel karne ki zarurat padti hai, extra effort karne ki zarurat padti hai, to usko hum kehte hain challenging goal. jab aapke paas confidence aa jata hai aur uske liye aap mehnat karte ho, struggle karte ho aur aapko stretch karte हो, तो फिर उसके नेचुरली जो आउटकम्स होती हैं या परफॉर्मेंस होती हैं वो आपकी
हाई आती है. दिस इज यू नो काइंड ऑफ एफिकेसी. ये अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क डिफर करता है, फिजिक टू फिजिक फर्क पड़ता है. ये दीज आर द यू नो डिफरेंट फैक्टर्स दैट मैनेजर नीड टू असेस और चेक विद इन हिज स्टाफ और मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट स्टाफ. ऑलराइट जी, अब उसको सेल्फ एफिकेसी किस तरह बढ़ाई जा सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है कि अगर ही फील्स ही और शी फील्स कि उसकी जो है सेल्फ एफिकेसी जो है वो वीक है, सो हाउ टू यू नो इम्प्रूव योर सेल्फ एफिकेसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं. सबसे बड़ी टेक्निक इनएक्टिव मास्टरी. ऑलराइट, जिस तरह कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ऑलराइट, एक तो आप उसके लिए नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप कर लें. ऑलराइट, एक एम्प्लॉय अगर वो समझ रहा है कि उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो ही और शी शुड हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज ताकि वो फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. जब आपके पास वो स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज आएंगे तो नेचुरली आपका एक कॉन्फिडेंस इनर कॉन्फिडेंस आपका जो है बूस्ट हो जाएगा एंड यू विल बिकम अ मोर कंफर्टेबल इनफ एंड कन्वीनियंट टू डू एनी चैलेंजिंग टास्क. ऑलराइट जी, देन उसके लिए फिर रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ऑफकोर्स जिस तरह नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. आप वो एक्सपीरियंस जो है वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं या किसी के साथ आप एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. विक्टोरियस मॉडलिंग क्या है? इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस बाय वाचिंग अदर्स परफॉर्म द टास्क. मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ऑब्जर्वर सीज द मॉडल टू बी सिमिलर टू हिम और हरसेल्फ. ऑलराइट, विक्टोरियस मॉडलिंग का मतलब ये है कि जो टास्क आपको दिया गया है चैलेंजिंग टास्क एंड यू फील एंड फॉर एग्जाम्पल सम टाइम अगर आप देखें जो पहाड़ियां चढ़ते हैं या जो स्विमिंग करते हैं या डीप सी डाइविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या आपकी कार रेसिंग कर रहे होते हैं या जो बड़े हाई अचीवर होते हैं लाइक दे आर पोजीशन होल्डर इन देयर स्टडीज एंड ऑल, या कोई ऐसा अनअचीवेबल टारगेट समथिंग यू नो आउट ऑफ द बॉक्स कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने मटेरियलाइज किया है, एक न्यू इन्वेंशन न्यू क्रिएशन की है, तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि अपने जैसे जो आप समझते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो स्टाफ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर एचआर, तो आप सोचें कि असिस्टेंट मैनेजर चार जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है दूसरा, या असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, तो आप उसमें देखें कोशिश करेंगे विद इन द एचआरों क्योंकि वो सिमिलरिटीज ऑफ द फंक्शंस आ जाता है. तो यू नीड टू नो यू नीड टू सी अदर पीपल हाउ ही एक्चुअली वर्किंग, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाज़ों का ऐसा भी होता है आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ लोगों से आप इंस्पायर्ड होते हैं और मुख्तलिफ लोगों को आप इंस्पायर करते हो. ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे ऐसे कुलीग को आप चुने जो बेसिकली स्टाफ में एक्सपीरियंस लेवल में आप ही जैसा हो मोर ऑर लेस, ठीक है, तो आप उनसे उनके बेसिकली परफॉर्मेंस को देखें, उनकी एक्शन एंड एक्टिविटीज को देखें, वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, हाउ इज बी सो सक्सेसफुल. और इसी तरह जब आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं तो यू एक्चुअली कम टू नो हाउ व्हाट इज द राइट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको कोई ऐसा टास्क मिला है जो चैलेंजिंग है तो कोशिश करें कि एक रेफरेंस चेक जरूर रखें रेफरेंस के तौर पे जिसको आप फॉलो कर सकें और उसी को फॉलो करते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. ऑलराइट जी, वर्बल पर्सुएशन. ऑलराइट जी, मोटिवेशन थ्रू वर्बल कन्विक्शन, पिग्मेलियन इफेक्ट एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. ऑलराइट, वर्बल पर्सुएशन कम्स थ्रू टू वेज. एक तो अपने जिसको हम कहते हैं खुद कलामी, दूसरा कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेंड सर्कल सोशल. आपकी सोशल सेटिंग में आपका भाई बहन फादर मदर टीचर यू नो कोई भी आ सकता है, आपके बॉसेस आपके लाइक इन वर्क सेटिंग्स के अंदर. अगर मैं ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करूंगा आपके कुलीग्स हो सकते हैं. ऑलराइट, आपके बॉसेस हो सकते हैं. तो ये तमाम तर वो लोग हैं जो बेसिकली आपको परस्यूड कर रहे होते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं और आपके जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट यू कैन डू इट. ऑलराइट, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर लूँ स्कूल्स की बात कर लूँ तो उसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स के लिए यही काम कर रहा होता है, दे ऑलवेज बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर मैं इदारों की बात करूँ इंडस्ट्री की बात करूँ तो बॉसेस जो होते हैं वो मैनेजर्स द पीपल, उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल यही होता है कि ही ऑलवेज कीप हिज एम्प्लॉयज चार्ज्ड, उसको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको परसुएड करते रहते हैं, उनको अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को हेल्प आउट करते हैं कि उनके अंदर कौन सी सलाहियतें हैं जिसको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, देन अराउजल, गेटिंग इमोशनली अराउज्ड, ठीक है, मतलब अगर आपने देखा होगा कि अक्सर जो आप स्पीचेस सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं. ऑलराइट, तो
उसके अंदर आप यू ऑलवेज जब आप उसको बड़े गौर से सुनते हैं व्हाट द स्पीकर स्पीक्स अबाउट, तो आप इमोशनली अपने आप को चार्ज फील करते हैं, ऑलराइट। आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि ये चीजें आप कर सकते हो, ऑलराइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अराउजल आपके अंदर होनी चाहिए, एक प्यास आपके अंदर होनी चाहिए, एक लगन आपके अंदर होनी चाहिए, एक कन्विक्शन आपके अंदर होनी चाहिए। और वो किस तरह आ सकती है, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव चीजें सुने और विद रिस्पेक्ट टू योर टारगेट, ऑलराइट। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो हमेशा कम्युनिकेशन किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, मोटिवेशन किस तरीके से अपनी आप हाई रख सकते हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अप रख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे कुलीग्स होते हैं जो आपको इस बारे में बता सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव जब इन्वायरमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव कुलीग होंगे और पॉजिटिव चीजें होंगी, तो पॉजिटिव का जो पॉजिटिव वाइब्स अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी तो नेचुरली यू विल बी अराउज्ड टू अचीव थिंग्स, ऑलराइट। ये बहुत सारे लोग जो कर गुजरते हैं उसके पीछे यही चीज होती है, मतलब कर गुजरना जो है इज अ काइंड ऑफ यू नो रिफ्लेक्शन ऑफ अराउजल, कि आपके पास अंदर से इतने आप कन्विक्टेड हैं, इतने मोटिवेटेड हैं, इतने आप एग्रीड हैं कि आपकी बॉडी जो है ना खुद बहुत जो है वो फिर उस एनर्जी स्टेट में आ जाती है कि आप वो काम कर जाते हो। Alright, तो arousal is most important to have in your body. Equity theory क्या है, और एक बड़ा psychological और बड़ा huge impact है इसका, equity theory का within the organization. Equity theory दो तरीके की होती है, एक तो मतलब employees क्या करते हैं within the organization, they always tends to compare themselves, ठीक है, within the colleagues, with their colleagues and outside their organization other colleagues. Alright, for example. इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जो है ना अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हो विद इन द सोसाइटी से। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक बेच के लोग, आप फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड किया, आपने एमबीए करके पास आउट हुए फॉर एग्जांपल इन 2020, आप ही में से कुछ लोग जो है जॉब अचीव कर लेते हैं, जॉब को हासिल कर लेते हैं विद इन नेक्स्ट 6 months, एंड कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, जब उनमें से कुछ लोग जॉब हासिल कर लेते हैं तो वो कंपेयर उस वक्त जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और इट इज बीइंग मेजर्ड कंपेयर्ड विद इन द कुलीग, यार फला शख्स को जॉब मिल गई, इसको जॉब अभी तक नहीं मिली। ऑलराइट, अगर आप जिस इदारे में जाते हैं तो जब आप वहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो यू ऑलवेज टेंस टू आस्क के भाई यहां पे और कौन कौन से लोग हैं। फॉर एग्जांपल यू आर बीइंग हायर्ड एज अ मैनेजर, यू नो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यू टेंड टू एक्चुअली कंपेयर योरसेल्फ विद अदर डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट के छुट्टी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, उसको बेनिफिट्स क्या है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, वो जितनी इनपुट दे रहा है उतना आउटपुट उसको मिल रहा है, और मैं कितनी इनपुट दे रहा हूँ या देने वाला हूँ और मुझे कितना आउटपुट मिलने वाला है। यू ऑलवेज टेंड टू कंपेयर योरसेल्फ विद योर कोलीग्स, ऑलराइट। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्विटी थ्योरी के अंदर समझना कि यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कि वो कितना टाइम दे रहा है, उसको आउटपुट क्या मिल रही है, और आप कितना अपना टाइम दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, और आपको क्या लेवल ऑफ आउटपुट मिल रही है। अगर वो लेवल ऑफ आउटपुट अगर बैलेंस है, बराबर है, या आपकी ज्यादा है, तो यू बिकम मोर मोटिवेटेड, ऑलराइट। अगर वो बैलेंस जो है इक्विटी थ्योरी का इम्बैलेंस है, से फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हु इज ऑन द सेम रेंज सेम लेवल एंड ही इज गेटिंग मोर आउटपुट और बेनिफिट्स from the level of input he is given, and you are getting low despite of the fact that you are putting yourself 100% or you are giving your input more than that person, aur aapko output jo hai sahi nahi mil raha hai, then you will become a satisfied. To managers ko ye bada important hai samajhna, aur organization mein jo CEOs hain, organization run karte hain, that is more important. Jab wo aap finance aur marketing और प्रोडक्शन के जब मुख्तलिफ स्टाफ को आप कंपनसेट करते हैं, तो दैट इज मोर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि वहां के जो एम्प्लॉयज वो इक्विटी थ्योरी को बड़ा अनकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस चीज को जरूर अडॉप्ट कर रहे होते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं, दे टेंड्स टू कंपेयर देमसेल्व्स, और वन ऑफ द बिग जो कॉज ऑफ टर्नओवर है विद इन द इंडस्ट्री दैट इज इक्विटी थ्योरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज डजंट यू नो फील देमसेल्व्स कि दे आर बीइंग पेड प्रॉपरली एज कंपेयर टू द their colleagues who are actually putting themselves less than them and getting still they are getting a huge benefits from their you know their jobs or their you know ranks and whatever the case may be, all right. And this is one of a critical and most
सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ द एम्प्लॉयज टर्नओवर, अगर आप एम्प्लॉयज के टर्नओवर की असेसमेंट करेंगे, कभी रिसर्च करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयज यू नो टर्नओवर एंड व्हाई इट इज अ हाई रेट ऑफ अ टर्नओवर विद इन द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पीछे बेसिकली आपको यही मुहरकात आपको नजर आएंगे कि वो डिससैटिस्फाइड इसलिए हो रहे होते हैं कि उनको महसूस होता है कि वो जितना काम कर रहे हैं उनको उतना सलाह नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू देयर कोलीग्स। ऑलराइट, फिर जस्टिस एंड इक्विटी थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे होते हैं, उससे बेसिकली हम इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं कि एक इदारा है जिसके अंदर फेयर सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई निपोटिज्म नहीं है। ऑलराइट, व्हिच शोज ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय शुड फील के वो जिस इदारे में काम करते हैं वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉय शुड रियलाइज एंड शुड फील एंड शुड सी देमसेल्व्स कि देयर इज नथिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। ऑलराइट, वो क्या क्या चीजें होती हैं, कहां कहां पे एम्प्लॉय जो है इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ऑलराइट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं। राइट, देयर इज आई मीन से फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, व्हेन यू नो एलोकेट सम बजट्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, इट मे बी द मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, सप्लाई चेन, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑलराइट एंड मेनी मोर। जब आप उनको मुख्तलिफ रिसोर्सेज दे रहे होते हैं इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक मे बी द ह्यूमन रिसोर्सेज, मे बी द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू एलोकेट देम यू शुड, I mean, I would recommend an organization to please create a balance between the, you know, different distribution of the resources. All right, जब आप किसी एक department को, जिसको हम कहते हैं ना कि लाट पे, या किसी एक department को आप pamper करते हैं, या किसी एक HOD को आप pamper करते हैं, and you on the cost of others, तो naturally within the organization एक बड़ा, एक अजीब किस्म का negative competition शुरू हो जाता है। All right. एंड नेगेटिव परसेप्शन जो है विद इन, नेगेटिव परसेप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है खराब हो जाती है विद इन द एम्प्लॉयज। राइट, जो विच इज मोस्ट कॉस्टली एंड मोस्ट डैमेजिंग, अगर आपके इदारे की, आपके एम्प्लॉयज की नज़र में ये गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है और उनकी परसेप्शन नेगेटिव है कि ये इदारे के अंदर जो है जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो जो है प्रॉपरली जो है जस्टिस नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, तो आपके इदारे की जो है परसेप्शन खराब हो जाएगी, विच इज वेरी नेगेटिव एंड वेरी डैमेजिंग। ऑलराइट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिसोर्सेज को, हर तरह के रिसोर्सेज, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, या एचआर रिसोर्सेज हो, यू मस्ट यू नो ब्रिंग इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस बिटवीन द एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द डिपार्टमेंट। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, फेयरनेस ऑफ आउटकम प्रोसेस। ऑलराइट, मींस it should be very clear, it should be transparent, it should be documentary. All right, jis tarah maine performance appraisal ki system ki baat ki, performance appraisal system should be very clear, transparent and should have a logical end. All right, ki agar aap ek cheez performance appraisal क्रिएट कर रहे हो और जनरेट कर रहे हो और उसी के थ्रू आप असेसमेंट कर रहे हो, देयर शुड बी क्लियर कट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसके बेसिस पे आप एवेल्यूएट करेंगे स्टाफ को, और फिर अकॉर्डिंगली आप उनको कंपनसेट करेंगे और उनको आउटपुट, आउटकम जो है उनकी, उनको मिलनी चाहिए। ऑलराइट, जब आप इस तरीके से बुलिंग करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई नो जहां पे बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ यू नो पेपर वर्क टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ यू नो ISO सर्टिफिकेशन एंड ऑल, बट उसकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन या उसकी जो यूज है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि और इस तरह की चीजें अक्सर आपको सेठिया कंपनियों में नजर आती हैं कि जहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी रन होता है, पूरी इवेल्यूशन होती है, मार्किंग होती है, रेटिंग होती है, ठीक है, उसके बावजूद उनका जो इवेल्यूशन सिस्टम है, आई मीन उनकी जो कंपनसेशन है या रिवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इतना वीक है वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऑलराइट, अगेन डिसीजन इज बीइंग डन बाय अ पर्सन हु इज रनिंग द शो, वो ही डिसाइड करता है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें होती है। तो ये अगर प्रोसीजरल जस्टिस नहीं होगा तब भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जो है वो कंसीडर नहीं होगा, और इट विल आल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शनल जस्टिस बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, इट इज फॉर द मैनेजर्स। ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू डील विद द डिफरेंट, आई मीन इट यू नो बिलोंग टू द टॉप मैनेजमेंट एज वेल, व्हेन यू डील like agar for example if there is a CEO or a MD who is dealing with the different departmental heads or a staff down the line, he should pay respect, he should treat them equally, he should not discriminate on the basis of
एनी क्राइटेरिया के भाई मैं इसको पसंद करता हूँ। अगर आप किसी को 2 घंटे दे रहे हो किसी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जब ये किसी एक पर्टिकुलर को कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ उसी को जब अपने साथ रखते हो, टाइम देते हो, तो एक नेगेटिव वाइब जो है, नेगेटिव मैसेज आप बाकी एचओडीज और बाकी डिपार्टमेंट्स को दे रहे हो, बिकॉज उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स और सेंस ऑफ लाइक निग्लेक्शन जो है, सेंस ऑफ निग्लेक्ट जो है उनको फील होगा। दे विल फील कि शायद आपको इतना ऑनर या रिगार्ड नहीं मिल रहा है जितना हम बाकी एक डिपार्टमेंट या एक एचओडी को मिल रहा है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द यू नो टॉप मैनेजमेंट टू कंसीडर के उनके बिहेवियर जो है कितना जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किसी डिपार्टमेंट के लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऑलराइट, जब आप किसी को बात करो तो प्रॉपर टाइम दें, और जितना टाइम किसी एक को दे रहे हैं तो उतना टाइम आप उसको दें। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड एक्चुअली यू नो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल विद इन द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले रादर देन द यू नो डिमोटिवेशन। ऑलराइट, जब आप ये तीनों चीजों को देखेंगे और बैलेंस लेके चलेंगे तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की जो परसेप्शन है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो परसेप्शन है, वो बड़ी पॉजिटिव रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। इसी इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही था, तो अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।